केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है दिल्ली में। आज शाम 6 बजे सीसी की बैठक होगी। कल जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। खुद गृहमंत्री अमित शाह, अरुण सिंह, सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, कुलदीप बिश्नोई, विजया राहटकर नड्डा के आवास पर बैठक में मौजूद रही। आज निर्णायक दिन हो सकता है क्योंकि सूची का इंतजार तो भारतीय जनता पार्टी के खुद दावेदार और जनता भी करे। अदिति हमारे साथ बनी हुई। अदिति, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है और मानकर ये चल रहे हैं कि आज रात तक भारतीय जनता पार्टी की सूची क्या सभी के सामने आ जाएगी, जो अगली सूची इंतजार में है? देखिए, आज रात का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कल सुबह जरूर ये सूची आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और आज 6 बजे सीसी की बैठक होगी। आप अगर माने कि 7 बजे तक शुरू होती है तो करीबन 1.5 घंटा ही ये बैठक चलेगी, तो 8 सवा 8 बजे तक ये बैठक चलेगी। और उसके बाद किसी ज्यादा 76 के नाम है जिन पर फाइनल सीसी के सामने उसको रखना है। और इसके अलावा जेपी नड्डा और अमित शाह के तमाम नाम पर चर्चा हो चुकी है, सीसी से मोहर लगवानी है। तो करीबन 1-1.5 घंटे की बैठक होगी और संभवतः दूसरे दिन सुबह एक बड़ी सूची आ सकती है। लेकिन अदिति, जब सूचियों का जिक्र कर रहे हैं और अब तक की सूची के जरिए जो बगावत के स्वर हमने देखे, भारतीय जनता पार्टी की सूची आई या फिर अब एक नए निर्णय पर अब सभी के निष्कर्ष पर पहुंचना, हालांकि ये चीज अभी पुख्ता नहीं है कि नई सूची में भी सांसदों को जगह मिलेगी या फिर नहीं, और अगर जगह नहीं मिलती तो फिर कई ऐसे नाम है जो कि अपेक्षित थे लेकिन सूची में नहीं होंगे सिर्फ इसी फैक्टर की वजह से क्योंकि वर्तमान में सांसद है, इसको लेकर कुछ जानकारी लगी अदिति? देखिए, आला कमान से जुड़े सूत्र ये कल खुलासा कर चुके हैं कि संभवतः हम किसी भी सांसद को अब चुनाव में नहीं उतारेंगे। बहुत कम सांसद किसी सांसद या मंत्री को चुनाव में उतारा जाए, क्योंकि उनका ये मानना है कि हमारे पास कद्दावर कैंडिडेट हैं, पर इसके पीछे की असली वजह है बगावत। जब सांसदों को उतारते हैं तो वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं वो नाराजगी जताते हैं और ऐसे में वो चुनाव में मेहनत नहीं करते। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चाहे कांग्रेस और बीजेपी हो, दोनों ही अभी जयपुर संभाग पर दोनों की नजरें टिकी हुई है। दोनों बेस्ट बेस्ट प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। जयपुर संभाग में कई बीजेपी तो पहल कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस जैसे नई जोशी की आवाम महल वाली सीट पर तमाम तरीके के वहां बीजेपी किसको उतारती है, कांग्रेस आर आर तिवारी को उतार रही है, तो तमाम ऐसी बातें होंगी जो अब आगे नजरें टिकाने वाली बात है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि ये चुनाव प्रत्याशियों का चुनाव है, निवेश का चुनाव नहीं है। ऐसे में जब दोनों ही पार्टियां अपने सारे कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे तो वो आसान होगा ये समझना कि किस सीट पे किसकी लीड है, किस सीट पे कौन चुनाव जीत रहा है। ठीक है अदिति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।